हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। कल मैं एक बुक पढ़ रही थी, तो वो बुक है जीत आपकी। उसमें ना बड़ी अच्छी बात लिखा हुआ है कि दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे सुंदर चीज़ों को ना तो देखा और ना ही छुआ ही जा सकते हैं, उन्हें तो दिल से महसूस किया जाना चाहिए। और एक चीज़ और लिखा हुआ है कि पैसा हर काम की कीमत नहीं होता। माँ बाप अपने बच्चों की परवरिश इस उम्मीद से नहीं करते हैं कि बदले में उन्हें पैसा मिलेगा। बहुत से लोगों के पास काफ़ी पैसा है मगर वे फिर भी गरीब हैं। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमारे पास पैसे भी हो और हम अमीर भी हो। हम लोगों की ज़िंदगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि कोई लोग पैसा बिना कमाए ही हासिल करना चाहते हैं। मेहनत इंसान को पैसे की कीमत सिखाती है। बहुत सी ऐसी चीज़ होती है जिसे पैसा नहीं खरीद सकता। हंसी मगर खुशी नहीं, बिस्तर मगर नींद नहीं, किताबें मगर ज्ञान नहीं, एक घड़ी मगर समय नहीं, साथी मगर दोस्त नहीं, चमक धमक मगर खूबसूरती नहीं, खाना मगर भूख नहीं, मकान मगर घर नहीं, दवा मगर सेहत नहीं, अंगूठी मगर जीवन साथी नहीं। तो पैसा से ऐसे बहुत सी चीज़ें जो हम खरीद नहीं सकते हैं। खाना बन चुका है, अब किचन को अच्छे से क्लीन कर लेते हैं। खाना बनने के बाद किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसलिए हर रोज़ किचन को पहले झाड़ू लगाना पड़ता है, फिर पोछा लगा देते हैं। अब धनिया पत्ता है तो अब धनिया पत्ता को पीसना है, उसको भी जली जली पीस लेते हैं, फिर लंच करेंगे। हम लोग के घर तरफ सब्जी बेचने आती है, तो वो बेर भी लाई थी। हम लोग खरीदे बेर, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा खरीदे, तो उसको सोचे कि ऐसे खाने को मन नहीं करता है, तो सोचे कि उसको थोड़ा चटपटा बनाए, तो सिलबट्टी में उसको अच्छे से बेर का अच्छे से पिटाई हो गया है। उसके बाद इसमें ब्लैक सॉल्ट, फिर रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा गोलकी ऐड कर देंगे, फिर ये अच्छा चटपटा बन जाएगा। फिर इसको आप खा के देखिएगा, बहुत ही चटपटा लगता है खाने में, खट्टा मीठा एकदम। ट्राई कीजिएगा ज़रूर।
रूम का बेडशीट हम कभी बिछाते नहीं हैं, तो वही मेरी सिस्टर बोल रही है तुमको बिछाने नहीं आ रहा है, रहने दो हम बिछा लेंगे। हमारी सिस्टर झाड़ू लगा रही है, हम सोचे कि जब तक तुम झाड़ू लगा रही है तब तक हम बिछा लेते हैं, लेकिन नहीं, वो फिर से वही बिछाएगी। सब्जी बना रही हूँ, हाँ रोटी बन चुका है, अभी चना का सब्जी बना रहे हैं। सब्जी बनाने के बाद किचन को अच्छे से क्लीन कर देंगे और ये हम लोग का डिनर बन चुका है। रात के खाना में रोटी और चना का सब्जी ही हम लोग खाएंगे आज। बहुत दिन से चना का सब्जी नहीं बना था, इसलिए सोचे कि आज रात को ही बना लेते हैं। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।